विकास शर्मा और मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, वेटरनरी सर्जन भी हूँ और एनिमोपेट केयर रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर भी हूँ। फ्रेंड्स, आज 6 अप्रैल है और एक खबर आई है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि न्यूयॉर्क के एक ब्रॉन्क्स जू में जहाँ फीमेल टाइगर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे ही बेल्जियम में भी एक बिल्ली थी उसमें भी पॉजिटिव पाया गया है मार्च के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, फेलाइन में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है ये कॉमन था लेकिन आज रिपोर्टेड कभी नहीं था। पेपर रिसर्च वर्क पहले जो हुए थे उसमें आए थे कोविड की तरह है, कितना पेटल है, कितना जो वो उसका जो मॉर्टलिटी रेट है कितना है, उस पर कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ था। अब ये अफेक्टेड है, वो भी बिल्ली अफेक्टेड है, ये टाइगर है, मॉर्टलिटी वगैरह नहीं हुआ है, हवा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माध्यम जो था ये ह्यूमन टू एनिमल्स स्प्रेड हुआ, यानी कि हम माध्यम बन रहे हैं, वो जू के जो एनिमल्स हैं, जो फीमेल टाइगर है या बिल्ली है, और इसी तरह केनाइन में भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रिपोर्टेड तो नहीं है लेकिन रिसर्च वर्क हुआ कि हाँ हो सकता है कोविड की तरह हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई अभी तक नहीं है। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पूरे जू को वगैरह को जो भी है अगर लगता है ऐसा अगर हुआ है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो जू एनिमल्स तो बाहर नहीं घूम रहे हैं ना, या अपना डॉग अपने आप नहीं घूम रहा है, जो माध्यम है वो ह्यूमन है, हम हैं। तो हम जो बाहर जा रहे हैं कहीं भी, कितना सेफ्टी, कितना आप लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं, कितना प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, कितना आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, कितना अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, सब चीज़ को देखना है कि जू का जो आपका जू का एनिमल्स है, टाइगर है, ये सब बाहर तो नहीं गया ना, कोई ह्यूमन ही तो फीडिंग करवाने के लिए आया हुआ, माध्यम तो ह्यूमन ही है ना, उसके थ्रू ही आया। ये एनिमल्स टू एनिमल्स स्प्रेड नहीं हुआ, ये ह्यूमन टू एनिमल्स। तो आज मैं आपसे इसलिए रूबरू होने आया हूँ और एक मैसेज देने आया हूँ कि आप घबराएं नहीं, जितने भी पेट लवर हैं, जो भी डॉग कैट रखे हुए हैं, आप मत घबराइए कि अब क्या होगा, वो डॉग से मेरे को होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं आपको बता दूँ कि ये माध्यम जो है, अगर आपके डॉग कैट में अगर केनाइन कोरोना का पॉजिटिव आता है, ऐसा तो आएगा नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर आता है तो इसके माध्यम आप बनेंगे, इसलिए अपने डॉग को बाहर ले जाएं, हाइजीन, वो मैंने पहले भी चर्चा किया था आपको कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, तो पैर वॉश करवा दें, अपने को भी हाइजीन, थोड़ा ग्लव्स मास्क लगा के जाएं, और आप मार्केट में ज़्यादा मत घूमें इधर उधर चीज़ों में, जब भी आए अपना को सैनिटाइज करें, तो माध्यम हम हैं, हम अगर स्प्रेड अगर कल को डॉग कैट में होता है तो समझिए कि आपका डॉग कैट ये वायरस लेके नहीं आया है, आप इसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, आप इसको इन्फेक्शियस, और हम वेटरनरी डॉक्टर्स तो ज़्यादा आप रिस्क पे हैं, क्योंकि हम अपने मैंने तो अपना क्लिनिक क्लोज नहीं किया है, 2 घंटा सुबह शाम मैं इमरजेंसी केसेस को देख रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर अपने आप को कैप पहन के, मास्क पहन के, गूगल लगा के, हाथ में ग्लव्स लगा के, प्रॉपर जो भी है कोई पेशेंट आता है उसको पहले डिप मैंने बना रखा है, उसको पैर में डिप करके जाइए, अपने आप को हाथ में सैनिटाइज करता हूँ, पेट्स को भी प्रॉपर करके टेबल पर रखता हूँ, एक डॉग जाएगा फिर दूसरा डॉग आएगा, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, जितना सैनिटाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, जितना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वेट हो और आप हम वेटनरी डॉक्टर हैं, और हम अपने पेट्स को अगर नहीं इलाज करेंगे तो क्या होगा, हमें तो इलाज करना ही होगा अपने पेट्स को, एनिमल्स को। तो आप घबराएं नहीं और सेफ्टी रखें, अगर डॉग में लगता है, कई आज सुबह से मेरे को कभी जब से ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है तब से मेरे को अराउंड मुझे नहीं लगता कि 50-60 लोगों का से कम लोगों का फ़ोन आया होगा, तो मैंने यही बोला पहले में भी, ये कई रेडियो चैनल के थ्रू मैंने एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि ये हैवक नहीं पैदा करें, डॉग्स कोरोना वायरस लेके नहीं आएगा, आपके घर में है कंपेनियन एनिमल है, कैट रख रहे हैं, जो उसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, आप बाहर जा रहे हैं, आप रिस्क पे हैं, आप माध्यम बन रहे हैं, तो ह्यूमन टू डॉग्स में आने के खतरे ज़्यादा हैं, आपके थ्रू या मतलब डॉग के थ्रू आपके में आने का खतरा नहीं है, तो अपने आप को सेफ रखें, अपने डॉग को मूवमेंट रिस्ट किए रहें, पॉटी सुसु करवा के अच्छे से प्रॉपर, जो जो अपने लिए कर रहे हैं उनके लिए भी करें, अगर बाहर ले आ रहे हैं सुसु पॉटी करने के लिए, अगर आपके पास बड़ा कैंपस है तो मैं कहूँगी अपने कैंपस में ही फिलहाल कोशिश करें उसको सुसु पॉटी करवाने का, या बाथरूम यूज़ कर सकता है बाथरूम में करें, डाइपर यूज में करता है तो डाइपर में करवाएं, तो थोड़ा सा ये सब प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि इस पर बड़े बड़े जो WHO वगैरह जो है, जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब रिसर्च में लगे हुए हैं, सभी को भी ह्यूमन का ही प्रॉपर नहीं पता कर पा रहे हैं, तो एनिमल्स का क्या ये पता करेंगे, पहले अपने जो WHO वगैरह है हम लोग के लिए, पहले जो मेडिसिन है, जो
एंटीडोट है, उसका जो वैक्सीन है वो सब प्रिपेयर करें। और एनिमल्स के लिए मोर्टलिटी वगैरह भी जो टाइगर और फेलाइन का सुने हैं, और किसी ने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि हांगकॉन्ग में दो डॉग को है, उससे मोर्टलिटी वगैरह नहीं हुआ है, तो इसलिए आप हैवॉक में नहीं आए और आप थोड़ा सा भी डरे नहीं, आराम से जैसे आप अपने आप को प्रिवेंशन करके रख रहे हैं उसी तरह डॉग को भी रखिए। और माध्यम हमेशा हम ही हैं, जो हमारे थ्रू ही डॉग में स्प्रेड हो सकता है, डॉग के थ्रू हमारे में स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोग को यही मैसेज देने के लिए आज मैं स्पेशली ये रूबरू होने के लिए मैं आया हूँ। और आप प्लीज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये